सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के कुछ अनाउंसमेंट के बारे में, जो कि फाइनली आज हो चुकी हैं। मतलब गाइस, आज का जो दिन है एक काफ़ी बड़ा ऐतिहासिक दिन है, बिकॉज़ आज के दिन बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया अनाउंस हो गई है इंडिया में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अनाउंस हुई हैं और कब तक आपको बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया इंडिया में देखने को मिलेगा। सो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना अगर आपको इन अनाउंसमेंट के बारे में जानना है तो। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोज़ और देखने के लिए। सो गाइस, आज सुबह से ही काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को लेकर। मतलब आज सुबह ही बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जितनी भी प्रीवियस वाली वीडियोज़ थी उनको डिलीट किया गया, और उसका जो बैनर वो भी चेंज किया गया, और उसका जो लोगो है वो भी चेंज किया गया, और इंस्टाग्राम की जितनी भी पोस्ट थी वो भी डिलीट की गई, और फेसबुक पर जितनी पोस्ट थी वो भी डिलीट करी गई। मतलब कि आज जो है काफ़ी कुछ अनाउंस हुआ है। सबसे पहले तो एक नई वेबसाइट अनाउंस हुई है। अगर आपको पता होगा तो जो पबजी मोबाइल इंडिया था उसकी एक नई वेबसाइट थी pubgmobile.in, वो वेबसाइट अब क्लोज हो चुकी है। एक नई वेबसाइट आ गई है battlegroundsmobileindia.com नाम से, और ये जो वेबसाइट है गाइज, इसका जो लुक है काफ़ी औसम सा है। बाकी जो है इंस्टाग्राम का नाम तो अभी चेंज नहीं किया गया है, और जो फेसबुक पेज है उसका जो यूज़र नेम है वो फ़िलहाल चेंज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक वहाँ पर जो उसका बैनर है और जो लोगो है वो चेंज नहीं किया गया है, बस उसका यूज़र नेम चेंज किया गया है। बाकी जो पेज का नाम है वो अभी भी पबजी मोबाइल इंडिया है, और सेम ऐसे ही अभी इंस्टाग्राम का भी कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। मतलब लोगो भी नहीं चेंज किया गया, इंस्टाग्राम पर तो भी कुछ भी नहीं चेंज किया गया। जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कि तब तक वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें अपडेट कर दी गई हो। और वहीं अगर बात करते हैं यूट्यूब चैनल के बारे में, तो यूट्यूब चैनल पर सब कुछ चेंज कर दिया गया है। मतलब यूजर नेम भी चेंज हो गया है, और लोगो भी चेंज हो गया है, और बैनर भी चेंज हो गया है, और यहाँ तक जो है आपको यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ थी सारी प्राइवेट मिलेंगी। और एक नया ट्रेलर भी वहाँ पर आ चुका है, ट्रेलर नहीं एक टीजर है जो कि वहाँ पर अपलोड किया गया है। और गाइस, अगर बात करें हम बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के लॉन्च डेट को लेकर, तो फिलहाल आज के दिन लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की गई है। बस इतना ही अनाउंस करा गया है कि हम वापस आ रहे हैं, और कोई भी डेट नहीं दी गई है। और हाँ, जो लोग कह रहे थे कि गेम डायरेक्ट आ जाएगी, कोई भी यहाँ पर प्रीरजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन गाइस यहाँ पर साफ साफ अनाउंस हो गया है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर आओगे ऑफिशियली, तो यहाँ पर एक न्यूज़ का सेक्शन है जहाँ पर देखोगे तो एक नई पोस्ट की गई है। मतलब आज के दिन सब कुछ किया गया है, आज के दिन वेबसाइट भी जो है अनाउंस हुई, और आज के दिन सब कुछ यहाँ पर अनाउंस हुआ है। टर्म्स एंड कंडीशंस आई हैं और पॉलिसीज आई हैं, सब कुछ आज के दिन ही आया है। अब यहाँ पर जो न्यूज़ वाला सेक्शन है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर काफ़ी कुछ अनाउंस किया गया है जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ पर लिखा गया है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ए बैटल रॉयल एक्सपीरियंस विल हैव ए पीरियड ऑफ प्रिपरेशन बिफोर द लॉन्च। मतलब गाइज, ये है कि ये जो गेम है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, ये गेम लॉन्च नहीं होगी डायरेक्ट, पहले इस गेम का प्री रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ये गेम आएगी। और जाहिर सी बात है, अगर किसी भी गेम का प्री रजिस्ट्रेशन होता है तो 90 डेज मैक्सिमम लगते हैं। मतलब गाइस, अभी चल रहा है मई, और अभी तक जो है इस गेम का प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। मे बी आने वाले 1 वीक के अंदर प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए, तो आप ये पकड़ के चलिए कि मई जून जुलाई से पहले आपको गेम देखने को नहीं मिलेगी। मतलब कि डायरेक्ट गेम नहीं आएगी, पहले इस गेम का गूगल प्ले स्टोर पर प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, उसमें आप जो है आप सब लोग जो है रजिस्टर करोगे, उसके बाद जो है आपको हो सकता है कि 1-2 महीने बाद आपको ये गेम ऑफिशियली देखने को मिले। और गाइस, यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी गई हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसी वेबसाइट पर काफ़ी कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है, और यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर मेंशन किया गया है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया विल रिलीज विद एक्सक्लूसिव इन गेम इवेंट्स लाइक आउटफिट्स एंड फीचर्स एंड विल हैव इट्स ओन स्पोर्ट इकोसिस्टम विद टूर्नामेंट्स एंड लीग्स। मतलब गाइज, ये है कि जो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया होने वाला है, इसके अंदर आपको कुछ एक्सक्लूसिव इन गेम इवेंट्स देखने को मिलेंगे, कुछ एक्सक्लूसिव आउटफिट्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ तक आपको गेम के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि वन एंड ओनली बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में ही होने वाले हैं। बाकी अगर बात करें हम प्री रजिस्ट्रेशन के बारे में कि कब तक आपको इस गेम का प्री रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, तो गाइस फिलहाल अभी ये चीज़ अनाउंस नहीं हुई है। अब इन्होंने कहा है कि जो है गेम सबसे पहले जाएगी प्री रजिस्ट्रेशन पर, उसके बाद जो है ये ऑफिशियली लॉन्च होगी। अब देखते हैं प्री रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है, फिलहाल आज तो नहीं हुआ, अभी हो सकता है कि शाम तक हो जाए या फिर कल भी हो सकता है। मतलब कि 1 वीक के अंदर हो सकता है कि प्री रजिस्ट्रेशन के लिए गेम आ जाए। अब अगर जो है प्रिपरेशन के लिए गेम आ जाती है तो मान चलिए 90 डेज तो लग ही जाएंगे। मतलब कोई भी गेम अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आती है तो 1-2 महीने तो लग ही जाते हैं। और इस गेम का प्रिपरेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो गेम होने वाली है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, काफ़ी डिफरेंट होगी ग्लोबल वर्जन से। मतलब कि ग्लोबल वर्जन से काफ़ी कुछ चेंज होगा इसके अंदर, इसलिए जो है इस गेम का प्रिपरेशन स्टार्ट होगा गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल के ऐप स्टोर पर। अब बाकी देखते हैं कि कब तक जो है आपको इसका रजिस्ट्रेशन देखने को मिलता है।
तो गाइज यही थी अनाउंसमेंट, आई होप आपको ये सारी अनाउंसमेंट ठीक लगी होंगी। बाकी अभी तो गेम का कोई भी ऑफिशियल डेट निकल के नहीं आई है, गेम कब तक देखने को मिलेगी, बस इतना कन्फर्म है कि गेम नहीं आएगी पहले। अब जो है आप लोग इंतजार करो कि रजिस्ट्रेशन का, कि कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो और कब जो है आप लोग उसमें रजिस्टर करो। बस गाइज हम मिलेंगे आपसे एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।